दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टीम क्लासेस चैनल को और घंटे के निशान को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टीम क्लासेस। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पृष्ठ रसायन के कुछ प्रमुख बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि एग्जाम में एक मार्क्स के पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, पृष्ठ रसायन के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला जो क्वेश्चन है वो है क्रिस्टलाव तथा कोलाइड में अंतर होता है। ठीक है, परीक्षा में आपसे ऐसे क्वेश्चन कर देगा कि क्रिस्टलाव तथा कोलाइड में अंतर होता है और चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको राइट आंसर पर टिक करना होगा कि क्रिस्टलाव तथा कोलाइड में क्या अंतर होता है। ओके, लेकिन अगर आप पहले से ही ये जानते होंगे कि क्रिस्टलाव तथा कोलाइड में क्या अंतर होता है तो आप सही टिक करके आएंगे और आपको वन मार्क्स पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्रिस्टलाव तथा कोलाइड में अंतर होता है कणों के आकार में। ठीक है, कणों के आकार में, जो उनके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनके आकार में क्रिस्टलाव तथा कोलाइड में अंतर होता है, यही डिफरेंसेस होता है। ओके, सेकेंड नंबर देखते हैं। और स्टूडेंट, ये बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ओके, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है। ठीक है, कोलाइडी निकाय है यहाँ पर पूछा है कि कोहरा जो है वो किस प्रकार का कोलाइडी निकाय है, तो गैस में द्रव। ठीक है, गैस में द्रव। ओके, थर्ड नंबर है कोलाइडो को शुद्ध करने की विधि है। कोलाइडो को शुद्ध करने की क्या विधि है। ठीक है, तो देखिए इसका राइट जो आंसर है वो है अपोहन। अपोहन विधि जो है वो कोलाइडो को शुद्ध करने की एक विधि है, प्रोसेस है। ओके, फोर्थ नंबर देखते हैं अपना कि फोर्थ नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न कौन सा है। और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप प्लीज इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और राइट आंसर पर टिक कर दीजिएगा। स्टूडेंट, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है कि झाग अथवा फोम किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। झाग किसी भी प्रकार का झाग हो सकता है, चाहे वो साबुन का झाग हो या फिर किसी भी प्रकार का, अथवा फोम किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है, तो इसका राइट आंसर है द्रव में गैस। ठीक है, द्रव में गैस। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव नंबर, जब वायु परिक्षेपण माध्यम होती है तो बना हुआ सॉल क्या कहलाता है। ठीक है, जब वायु जो है वो परिक्षेपण माध्यम में होती है तो बना हुआ जो सॉल होता है वो क्या कहलाता है, तो एरोसॉल कहलाता है। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये एरोसॉल कहलाता है। ओके, ये थे फाइव बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और इसकी मदद से आप एक मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्न एग्जाम में वन मार्क्स का पूछा जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।